हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं, जो दोस्तों कल इंट्राडे मार्केट में, कल नहीं सॉरी मंडे इंट्राडे मार्केट में आपको जोरदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में अपडेट किए जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक नॉलेजेबल और एक एजुकेशन पर्पज से होने वाला है। तो सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बहुत ही शानदार तेजी के साथ क्लोज हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18,349.70 रुपये पे बाजार का जो हाई था 18,362.30 रुपये का, यही स्टॉक का दोस्तों मार्केट का 52 वीक का हाई बन गया। तो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट एक महीने में मार्केट करीबन 7-7.5% चढ़ चुका है। ठीक है, तो आगे जो भी अपडेट आएगा मार्केट के रिलेटेड, हम डेफिनेटली आपको कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जो सबसे फर्स्ट कंपनी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है PBR लिमिटेड। PBR की अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में दोस्तों करीबन 2-2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिली और स्टॉक क्लोज हुआ 1840 रुपये पर। प्रीवियस क्लोज था दोस्तों 1799.90 रुपये। ये ओपन होता है 1808.90 रुपये, हाई लगाता है 1854.40 रुपये और लो लगाता है 1805 रुपये। काफ़ी बढ़िया मोमेंट हमें देखने को मिला स्टॉक में। ठीक है, अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, क्या मोमेंटम मिलता है मंडे के लिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं PBR के चार्ट पैटर्न के ऊपर। 15 मिनट का कैंडल चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। चार्ट में काफ़ी मज़ेदार मोमेंट देखने को मिल रहा है। मज़ेदार कैसे, ये देखिए, स्टॉक ऊपर जाता है फेल होता है, ऊपर जाता है फेल होता है, फिर यहाँ ऊपर गया फेल हुआ, यहाँ ऊपर गया फेल हुआ, यहाँ पर ऊपर गया फेल हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंडीशन है ना वो बहुत खतरनाक है। ये कंडीशन अभी फिर देखने को हमें मिली है और मार्केट क्लोज हो गया तो वो हल्का सा फेल हुआ। ठीक है, एक हमें फिर हमें देखने को क्या मिल सकता है, क्या से फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक हमें ऐसे ही पॉइंट मिल गया बिना कोई दिमाग लगाए, खाली ये ट्रेंड को देख लीजिए और परफॉर्मेंस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल, ठीक है, जहाँ से स्टॉक में 3 बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, 1850 रुपये का लेवल। तो ये लेवल को वो ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्टॉक नीचे आता है और यहाँ पर भी आ जाता है 1825 पे, जहाँ पर स्टॉक पहले भी काफ़ी बार रुक चुका है आप देख सकते हैं, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा पुलबैक ले सकता है। ठीक है, एक अच्छा खासा पुलबैक ले सकता है, ये तीसरा टर्म हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ख़तरनाक मूंड में क्या दिख रहा है, PBR का स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टॉक क्या हुआ दोस्तों, ये लेवल से गिरा हुआ है। ठीक है, फिर ये लेवल को सपोर्ट लिया और ये लेवल को सपोर्ट लेने के बाद, मतलब 10वें महीने की 25 तारीख की बात हो रही है, इससे एक मतलब बोल सकते हैं कि 15 दिन पहले, जब से स्टॉक कंटिन्यूसली भाग रहा है और भागते भागते दोस्तों स्टॉक ने क्या किया, ये लेवल को हाई बनाया, ये लेवल को जैसे ही हाई बनाया फिर ये लेवल को लो बनाया। ठीक है, क्योंकि हाई जो रुकावट का आखिरी लेवल है वो, और रुकावट का आखिरी लेवल सपोर्ट, फिर ये फिर इसी लो पे दोस्तों क्या किया, सपोर्ट लिया और वही मोमेंटम हमें यहाँ भी स्टॉक दिखा रहा है। ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं, एक प्रकार से सही जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, डेली कैंडल पर चलते हैं। डेली कैंडल पर हमें क्या दिख रहा है, डेली कैंडल पर यह दिख रहा है कि स्टॉक जो है वो 1800 रुपये के लेवल को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, कंफर्टेबल जोन में आ चुका है। मतलब 1800 रुपये के लेवल को इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, एक कंफर्टेबल जोन में आ गया। तो हमें 3 से 4 ऐसे मल्टीपल रीज़न मिले हैं जिसके अकॉर्डिंग हम स्टॉक को क्या कर सकते हैं, बाय करके सेल सकते हैं। बाय करना है तो कहाँ से करना है, 1850 रुपये के ऊपर से। 1850 का लेवल ब्रेकआउट देगा तभी हमें आगे मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं लेवल को। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर हमें 1860 पे मिलेगा तो यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, 1880 का टारगेट लेंगे जो होगा हमारा 20 पॉइंट का। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्रॉफिट गुरु एफेंडो कॉल का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, जहाँ पर डेली बेसिस पे ऐसे बेहतरीन ऑप्शन के कॉल देते हैं।
लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कोफुर्गा का कॉल दिया था 3900 का, ठीक है, जिसमें 10 पॉइंट का टारगेट दिया था जो हमारा धमाकेदार तरीके से अचीव हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉल हमने दिया था दोस्तों 9:19 पे, टारगेट डन हो गया 9:28 पे, ठीक है। ये लेवल जो यहाँ पर आते हैं कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी स्टॉक ऑप्शन के, वो टेक्निकल एनालिसिस वाले रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाके ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों PBR का जो SL है, अगर वो मैं आपको अपडेट करूँ तो वो हम लगाएंगे 1850 का, ठीक है, काफ़ी बढ़िया हमें SL ये देखने को मिलने वाला है। आप चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों हमारा सेकंड स्टॉक है रूट मोबाइल लिमिटेड। रूट मोबाइल की अगर मैं बात करता हूं तो स्टॉक दोस्तों 4% की तेज़ी के साथ 1330.50 पर क्लोज़ हुआ। इसका प्रीवियस क्लोज था 1279.90, हाई लगाता है 1286.30, लो लगाता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये प्रीवियस क्लोज है, ये ओपन होता है 1286.30, हाई लगाता है 1240 और लो लगाता है 1285.30, मतलब काफ़ी शानदार मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रूट मोबाइल में। अब चलते हैं इसके भी टेक्निकल चार्ट पे, क्या मोमेंटम मिलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों रूट मोबाइल का मैंने चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया हूँ। अब देखिए रूट मोबाइल में दोस्तों अभी क्या देखने को हमें मिल रहा है, अभी देखने को हमें ये मिल रहा था कि जो लगभग 1330 के आसपास का, या बोल सकते हैं 1320 के आसपास का जो लेवल था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बार स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन दोस्तों क्या हो पाया, वो वहाँ पर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, उस लेवल को बढ़िया से ब्रेकआउट दे दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट होगा दोस्तों उसका ये कि ये लेवल अगर 1350 का वो ब्रेक कर देता है तो वो पूरा कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट 25 तारीख से लेकर अभी तक वो उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 1350 के लेवल पे यहाँ पर देता है लेकिन फेल हो जाता है, तो यहाँ पर बढ़िया से ये मोमेंटम हमें दिखाएगा, ठीक है, 1350 वाला, और आराम से हमें क्या देखे जाएगा, ये टारगेट देखे जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में भी जो प्रेशर है वो थोड़ा सा भी कम हो गया है, खास करके IT कंपनियों में भी, तो ये भी दोस्तों एक IT कंपनी से बिलोंग करता है, तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंट दिखा सकता है। तो क्या है लेवल वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम बाय करेंगे, कहाँ से बाय करेंगे, हम इसको बाय करेंगे 1345 से, ठीक है, 1345 से बाय कर लिया। अब दोस्तों 1350 का अगर लेवल ब्रेक करेगा तभी हमारा जो दोस्तों 1365 का टारगेट रहेगा वो अचीव हम कर पाएंगे, नहीं तो हमारा जो SL है, ठीक है, लगभग 1335 का वो ट्रिगर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे रूट मोबाइल लिमिटेड में, ठीक है। तो अब क्या करिए, अब फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, क्योंकि डेली बेसिस पर से बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो रूट मोबाइल और PBR ये दो बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों मंडे के लिए, दोनों में हमारा जो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है वो हमने शेयर कर दिया। आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है आप उस अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करिए, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या ब्रोकर है आप उनसे कंसल्ट करिए, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये से टारगेट मिस हो जाता है, और फिर स्टॉक दोस्तों रिवर्सल देके या तो कॉस्ट पे आ जाता है या कॉस्ट पे नीचे जाके SL ट्रिगर कर देता है। तो इससे अच्छा ये है दोस्तों कि आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट अगर मिल रहा है 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का टारगेट से पहले, तो आप उनको बुक कर लीजिए, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से क्या करिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।